सेटलमेंट पे कोई सेटलमेंट नहीं होता है, सब बैकवर्ड से और वो किधर है तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो शुरुआत हुई है, आज थोड़ी जो मॉर्निंग है हमारी बहुत बहुत एवरेज है और बहुत टायर्ड है। देख रहा होगा मेरी हालत कैसी हो रखी है आपको, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैं रात भर ट्रेनों में घूम रहा हूँ, थके खाते फिर रहा हूँ। सफ़र हमारा कल चालू हो गया था, मैं अभी वापस पंजाब जा रहा हूँ। आपको जैसे पता है मैं अपने गाँव में था अभी काफ़ी टाइम से, तो अभी पंजाब जाने का टाइम आ गया है। तो मैं दिन में नहीं आया इस बार, मैं रात का सोच रहा था रात का ट्रैवल करूँगा, तो फिर इस बार थोड़ा सा टायर्ड है। और फ़िलहाल अभी बजे हैं चार बजे हैं और मैं ऑलमोस्ट इधर पहुँच गया हूँ, मतलब पंजाब में एंटर हो गया हूँ ऑलमोस्ट। बस एक स्टेशन है, एक स्टेशन बाद मेरा घर है, बट यहाँ से कोई ट्रेन वेन जाती नहीं उसकी। सो गाइस रात का सफ़र बहुत बुरा होता है भाई, मैं पहले भी एक दो बार आया हूँ, जब भी मैं रात का सफ़र करता हूँ ना तो मतलब मेरी नींद हमेशा ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक तो रात को भीड़ बहुत होती है, ठीक है, ऊपर से ट्रेन लेट होती हैं काफ़ी ज़्यादा। और दिक्कत यह है अगर तुम्हारी टिकट बुक होती है तो तब कोई दिक्कत नहीं होती, बट मेरा क्या होता है ज़्यादातर मेरा प्लान ऑन द स्पॉट बनता है, मतलब एक दिन पहले या दो दिन पहले, तो उस टाइम टिकट बुक हो नहीं पाती, तो फिर जनरल डब्बे में आना होता है। और जनरल में पता ही आपको कितनी भीड़ होती है, जो लोगों ने ट्रैवल करा होगा, मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो जनरल में ट्रैवल करते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग, वरना सारे खासकर लड़कियां तो भाई स्लीपर एसी वेसी में जाती हैं। और हमारा क्या है, हम तो जब मड़ी चल देते हैं मुँह उठा के जहाँ मन करता है, पर मज़ा है, इसका भी एक मज़ा है, थोड़ा सा हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। तुम कभी अभी हमारे साथ ये सब एक्सपीरियंस लोगे तो फिर तुम्हें भी काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी कि हम हमारी लाइफ कैसी है, हम कैसे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं किसी के लिए, तब फिर मज़ा आता है इसके बाद कि यार अगर उस स्ट्रगल से निकल के आगे पहुँचते हैं कहीं, तो फिर बहुत मज़ा आता है कि यार ऐसी ऐसी चीज़ भी देखी है हमने, ऐसी चीज़ें भी करी है हमने। तो गाइस हमने अपना बेड लगा लिया है, बेड देख लिया अपने, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट एक या डेढ़ घंटा पड़ा है, तो आराम से इस पर सोएंगे। बेड रेडी है और हमारा ये छोटा सा तकिया रेडी है, तो इसमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। बहुत नींद है भाई, बहुत नींद आ रखा है, दिमाग ख़राब हो रखा है, आँखें आपको दिख रही होगी, मेरी हालत आपको दिख रही होगी, बट कोई नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ट्रेन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे पटियाला को, ठीक है। और पटियाला के बाद मैंने जाना है जयपुर, तो फिर वो भी शायद आपको दिखाऊंगा, वो भी बहुत स्ट्रगल होने वाला है भाई, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है बाबा, बहुत स्ट्रगल है। तो बस और तुम्हारे कोई स्ट्रगल नहीं है, तुम फिर भी लाइक वाइक नहीं करते हैं, लाइक कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, हैं थोड़ा बहुत चैनल ग्रो कर रहा हो यार, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और क्या है, हम भी फिर और अच्छे मोटिवेट होकर ब्लॉग बनाएंगे, हैं अभी ऐसा मन करता है ब्लॉग बनाओ मत बनाओ, ऐसा ही है बस, कभी बना लिया कभी नहीं बनाया, तब कुछ करवाओगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे चैलेंज लेके आऊँगा, बढ़िया बढ़िया चैलेंज। सो गाइस फाइनली इतना वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई है, अब हमारी थोड़ी नींद पूरी होगी, अब जाके बैठेंगे इसके अंदर, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना, सिर्फ एक स्टेशन जाना है, एक स्टेशन तो हम ऐसे चले जाएंगे बैठ के इसमें। ये तो ये ही कोई नहीं है, ये तो ये है।
सो फाइनली गाइज दिन निकल गया है। देखो मौसम ख़राब हो रहा है पटियाला में। जैसे ही पटियाला आया हूँ मैं, ये देखो बारिश हो रही है इधर, बादल भी रो रहे हैं आज मेरे को देख के कि इतने दिनों बाद लौट के आया है हमारा चाहने वाला पटियाला सिटी का। ये पटियाला स्टेशन है देख लो, यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, यही जाने। मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। और यहाँ झंडा भी उतरा हुआ है हमारा आज। ये है गाइस हमारा पटियाला का स्टेशन। बारिश हो रही है हल्की हल्की, देखो बारिश हो रही है। सुबह सुबह इधर बारिश चालू है, उधर मौसम गर्मी थी, इधर बहुत ठंड फील हो रही मुझे, और वैसे ही नींद में हूँ मैं अभी फ़िलहाल। यहाँ से ऑटो वोटो देखूँगा, मिल जाएगा तो कोई, वरना पापा को फोन मारूँगा। अभी इधर काम चल रहा है कुछ, ये यहाँ पे है इसका इंजन। सो गाइस ऑटो की वेट कर रहे थे, ऑटो तो नहीं मिला, पर पापा को फ़ोन किया था, पापा आ गए, पापा गाड़ी लेके आ गए, वो आगे गाड़ी लेके अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। हेलो हेलो हेलो, चिंकी चिंकी, फाइनली गाइस घर पे आ गए। मौसम कुछ ऐसा है, देखो बारिश अभी भी हो रही है, गाड़ी में बाहर गाड़ी अभी गीले हो गए, ये वेट कर रही है, खुश है आज हमसे मिलके। सो फाइनली गाइस घर तो पहुंच गया हूँ, रूम में भी पहुंच गया। ये मेरा भाई सो रहा है, ये मेरी हालत है कुछ ऐसी देख लो। सो मैं भी बहुत थका हूँ, ये भी सो रहा है, तो मैं भी अब जाके सोता हूँ। और आपको बस इतना करना है कि अब लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।